वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मावन खुसूसी मलिक अहमद खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार पर असर अंदाज होकर बनी गाला का केस इमरान खान के हक में कराया। साबिक चीफ जस्टिस ने इस बात को बिल्कुल बकवास और बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उस वक्त के आर्मी चीफ अदालती फराइज की अदायगी के लिए उन पर कभी भी बिल वास्ता या बिला वास्ता असर अंदाज नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जिस केस का फैसला उन्होंने सुनाया था वो तमाम जायदादों की रेगुलराइजेशन के मुतालिक था, क्योंकि उन्हें गिराया नहीं जा सकता था। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी इस बात की तर्दीद की और कहा कि वजीर आजम के मावन खुसूसी और सीनियर नून लीगी रहनुमा ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आर्मी चीफ कंट्रोल करता है, ये नहायत ही संगीन इल्जाम है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को चाहिए कि इस बात का नोटिस ले। फवाद चौधरी ने कहा कि जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने घर तामीर किया था उस वक्त इलाके में ऐसी तामीरात से मुतालिक कोई कवायद और जवाबत नहीं थे। उन्होंने वाजे किया कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीडीए को हुक्म दिया था कि कवायद और जवाबत बनाए जाएं ताकि बनी गाला में तामीरात को रेगुलेट किया जा सके। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के करीबी जराए का कहना है कि जनरल बाजवा ने कभी उस वक्त के चीफ जस्टिस या अदलिया से इस केस में राबता नहीं किया था। मलिक अहमद खान ने दावा किया था कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को एनआरओ दिया था। जब उनसे पूछा गया कि मुबैना एनआरओ की नौयत क्या थी तो अहमद खान ने कहा कि इमरान खान को चाहिए वो सामने आए और हल्फिया बयान दें कि जिस वक्त ये केस जस्टिस साकिब निसार की अदालत में जेर समात था उस वक्त बनी गाला केस में उन्हें एनआरओ नहीं दिया गया था। मलिक अहमद खान ने दावा किया कि उनके पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि कब और किस तरह ये काम किया गया, कौन कौन से किरदार मुलविस थे, किसने किसे पैगामात भेजे। जब उनसे पूछा गया था कि वो कह रहे हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इमरान खान के बनी गाला घर केस का फैसला किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ, मेरे पास सबूत हैं। मलिक अहमद खान ने बताया था कि इस केस में बेमौत मारे जाने वाला शख्स यानी कोलेटरल विक्टिम जहांगीर तरीन था। मलिक अहमद खान उन नून लीगी रहनुमाओं में से एक हैं जो रिटायर्ड आर्मी चीफ के करीबी समझे जाते हैं। उन्हें अक्सर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात करते भी देखा गया है।